तो चलिए कटिंग स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने बेटे को कटिंग सीट लगा दे रही हूँ, और मैं इस टाइप का हेयर कट अपने बेटे का फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। बॉय कट मतलब परफेक्टली आ गया था। इस टाइप से आप बड़े लोगों का भी बॉय कट कर सकते हैं और बच्चों पे भी बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने कटिंग सीट लगाया। अब मैं अपने बेटे के बालों को थोड़ा सा गीला कर लूँगी, क्योंकि कटिंग गीले बालों में ही अच्छे से आ जाती है। तो आज मैं 9:30 बजे सुबह लाइव नहीं आ पाई, क्योंकि हम लोग का व्रत होता है निर्जला व्रत, तो उसकी वजह से मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तो मैं इसलिए लाइव नहीं आ पाई, उसके लिए वेरी सॉरी। वैसे मैं डेली सुबह 9:30 बजे लाइव आती हूँ, तो आप लोग ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए इस तरीके से मैं यहाँ से पहले इसके बालों को लेंथ दे दूँगी कि कितना कट करना है, और ईयर के पास से भी पूरे बालों को इस तरीके से कट कर लूँगी। मेरे पास अभी ट्रिमर नहीं है, तो गर्दन के पास के बालों को भी मैं कैंची से ही छोटा छोटा कर लूँगी इस तरीके से। ओके, थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं। और बहुत ही प्यारा सा कट आया था। फाइनल लुक देखने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, तो इस तरीके से कट कर ले रहे हैं। तो इस तरीके से पूरा पहले लाइन से एक बना लेंगे अच्छे से, और जो भी एक्स्ट्रा हेयर है उसको कट करके निकाल देंगे। बच्चों का हेयर कट करने में थोड़ा दिक्कत भी होता है, बच्चे बार बार सिर ऊपर नीचे इधर उधर करते हैं। मैं ऐसे घोल करके नहीं छोड़ने वाली, बहुत अच्छी सी कटिंग आएगी। तो आप देखते रहिए पूरा वीडियो एंड तक अच्छे से सीखने के लिए। ये हो गया। अभी हम लोग ईयर के पास के हेयर्स को अच्छे से एक लाइन दे देंगे। देख रहे हैं कितना शरारती है मेरा बच्चा। तो यहाँ से इस तरीके से मैंने काम कर लिया है, और इस तरीके से कट करेंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से ईयर के पास के हेयर को अच्छी सी लाइन दे देंगे। तो देख सकते हैं आप मैं किस तरीके से लाइन दे रही हूँ। पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखते रहिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आप इस तरीके से बॉय हेयर कट कर सकते हो, बहुत ही इजी तरीके है और बहुत ही अच्छा लगता है ये लुक। और मैं अपने चैनल पे बहुत सारी ब्यूटी टिप्स वगैरह भी लेके आ रही हूँ, तो देखते रहिएगा। और मेरा एक और चैनल है इंडियन यूट्यूबर प्रीत तिवारी, जिस पर आपको मेरी ब्लॉगिंग और कटिंग स्टिचिंग की वीडियो मिलेंगी। तो जो भी इस चैनल पे मेरा कटिंग स्टिचिंग का वीडियो पसंद करता था, प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इंडियन यूट्यूबर प्रीत तिवारी। वहाँ पे आपको डिजाइनर ड्रेस वगैरह की कटिंग स्टिचिंग मिलेंगी, ब्लाउज सूट। ये देखिए कितना ज़्यादा सिर नीचे कर रहा है बेटा। तो इस तरीके से ऊपर करूँगी, और अभी इनको फ्रंट से आईब्रो के ऊपर से हेयर को थोड़ा सा कट कर दूँगी। बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था, बच्चे तो हेयर कट कराने में पूरा परेशान हो जाते हैं, और जो कट करता होता है उसको भी परेशान कर देते हैं। तो हेयर के पास भी अच्छी सी लाइन दे दी है मैंने। अगर आप गर्ल्स का हेयर कट करें तो इस तरीके से बस सिंपली गोल कट करके छोड़ दो तो बहुत प्यारा लगता है, लेकिन मुझे बॉय कट दिखाना है यहाँ पर, तो मैं पूरे बालों को अभी शॉर्ट करूँगी। अब दूसरे वाले ईयर के पास के हेयर को कट करेंगे। देख सकते हो बहुत शरारती है मेरा बेटा, मेरा बेटा बेटी दोनों बहुत ज़्यादा शरारती हैं। चलिए इस तरीके से मैं कट करूँगी। अब दूसरे वाले ईयर के पास के भी हेयर को अच्छी सी एक लाइन देंगे। आप लोगों को कटिंग कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैं और भी अच्छी अच्छी कटिंग्स लेके आती रहूँगी आप लोगों के लिए। और हेयर कटिंग की वीडियो बहुत सारी है मेरे चैनल पे, तो अगर आप मेरे हेयर कट की वीडियोज़ में इंटरेस्ट हो तो प्लीज़ देख लीजिएगा। 200 तक वीडियो हैं, 150 से 200 तक हेयर कट की वीडियोज हैं चैनल पे मेरे। तो इस तरीके से ईयर के पास के हेयर को अच्छी सी लाइन दे देंगे, और अभी पीछे के बालों को शॉर्ट करना स्टार्ट करेंगे।
किस तरीके से बॉयकट में किया जाता है वो मैं बता रही हूँ आप लोग को। तो ये देखिए पूरा हेयर गोल मैंने कट कर लिया। अभी सिंपली आपको इस तरीके से कॉम में हेयर को पकड़ना है, पतले दांतों वाली कॉम ले लीजिए इस टाइप की, और इस तरीके से हेयर को पकड़िए और एकदम बस हाफ हाफ इंच ऊपर से इस तरीके से कट करते जाइए। तो इस तरीके से आप लड़कों का हेयर कट कर सकते हो। और ऊपर के हेयर को थोड़े से लॉन्ग ही छोड़ने वाली हूँ मैं, और जहाँ तक आपको शॉर्ट चाहिए वहाँ तक आप इस तरीके से कट कर लो। ओके, आप देख सकते हो इक्वल, मतलब एक बराबर में ही कट करना है। जैसे जहाँ से आपके नीचे वाले हेयर कट हो रहे हैं उसी हिसाब से सारा हेयर कट करना, कहीं ज़्यादा कहीं छोटा कहीं बड़ा मत कीजिएगा। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। इसी तरीके से ईयर के पास के भी हेयर को थोड़ा सा छोटा कर देंगे, क्योंकि बॉय स्कूल जाने वाले लड़कों का बॉय कट इस तरीके से अच्छा लगता है। तो इस तरीके से मैं कट कर रही हूँ, फिर से इसने हिलाना शुरू कर दिया। ओके, और ऊपर के हेयर को थोड़े से बड़े रखने हैं हमको, तो थोड़ा सा कॉम ज़्यादा ऊपर ले जाके इस तरीके से कट करेंगे तो बड़े हो जाएंगे हेयर। मैं इस टाइम से फर्स्ट टाइम हेयर कट कर रही थी। मैंने इसके और भी वीडियो डाले हैं बॉय कट के, बट वो थोड़ा अलग डिफरेंट तरीका था। इस बार थोड़ा सा मैं अच्छे से करने की कोशिश कर रही थी। आप ये मैं सोचेगा कि मैं इसके सिर को इतनी जल्दी जल्दी से घुमा रही हूँ, वीडियो थोड़ी सी फास्ट की हुई है इसलिए थोड़ा ज़्यादा जल्दी जल्दी दिख जा रहा है, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो गई थी। मैं आराम से कर रही थी बट थोड़ा सा फास्ट कर दिया ना, इसलिए जल्दी जल्दी दिखा रहा है आप लोगों को। तो इस तरीके से हेयर के पास को, सॉरी ईयर के पास के हेयर को भी कट कर देंगे। और ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था मेरा बेटा बाल गिरने की वजह से, तो इसको तुरंत ही नहलाने के लिए ले जाऊंगी हेयर कट करने के बाद से। तो ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है हेयर कट। तो पीछे से आपको जहाँ से छोटा बड़ा लगे थे यहाँ से थोड़ा सा बड़ा लग रहा था, यहाँ से फिर से कट कर देंगे। ओके, तो ये हमारा हेयर अच्छे से कट हो चुका है, बस अब बीच के हेयर को भी थोड़ा सा शॉर्ट करना है। तो इस तरीके से कॉम में ले लेंगे हेयर, इस तरीके से कट कर देंगे जो भी एक्स्ट्रा लग रहा है उसको। ज़्यादा छोटा नहीं करना है यहाँ के हेयर को, थोड़ा थोड़ा ही छोटा करना है हमको। तो इस तरीके से सारे हेयर को उठाएंगे और छोटा कर लेंगे। तो इसका फाइनल लुक क्या था वो भी मैं दिखा देती हूँ आप लोग को। जैसे आप ऐसे कॉम में हेयर को उठाओगे ना, तो जो पहले से कटे हुए हेयर है वो गाइडलाइन मिल जाती है, उसके अकॉर्डिंग आप कट कर दो हेयर को। ओके, ऐसे कॉम करके देख लो, जहाँ से बड़ा लगे वहाँ से आप कट कर दो। तो ये देखिए पूरे फ्लोर पे इस तरीके से हेयर गिरे हुए थे। चलिए अपने बेटे का फाइनल लुक दिखा देते हैं आप लोग को, ऐसी लगी आप लोगों को कटिंग जरूर बताएंगे। और ये है मेरे बेटे का बैक से लुक। अभी नहाया है तो बाल गीले हैं इसलिए ऐसे दिख रहे हैं, सूखने के बाद से बहुत प्यारा लग रहा था। तो ये बैक से है, ये भी बैक से ही है और ये साइड से है। तो बहुत तीन चार पिक्स ले ली थी ताकि आप लोग को शेयर कर पाऊँ। तो कैसी लग रही आप लोग को मेरे बेटे की कटिंग? अच्छी लगी हो थोड़ी सी भी तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा गाइस। और भी पिक्स हैं देख लीजिए आप। बहुत प्यारा लग रहा है ना हेयर कट। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट हेयर कट की वीडियोज के साथ। बाय बाय।